पुलिस लाइन में बने स्वास्थ्य केंद्र का डीआईजी ललित साकबार ने भ्रमण किया। उनके साथ एसपी अगम जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण करते हुए इसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वह काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो बेड डाले गए हैं केपी फाउंडेशन द्वारा वह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिवारों से अपील की है जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकता है। यहाँ पर प्रतिदिन डॉक्टर बैठते हैं और उनकी देखरेख में पूरा इलाज किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है और यहाँ पे चौरसिया फाउंडेशन के द्वारा बेड और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सभी पुलिस कर्मियों का मेडिकल परीक्षण यहाँ पर कराया जा रहा है। उसमें भी डायबिटीज़ बीपी और जितने भी ड्राइवर हैं उनका आई साइट बिल्कुल कैसी है, ये हेल्थ चेकअप के लिए आज एसपी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया है। ये शिविर सुबह से लेकर शाम तक चलेगा और यदि किसी को कोई समस्या आती है तो उसका आगे कहाँ पर कैसे समुचित इलाज कराया जाए वो सुनिश्चित। पुलिस फैमिली से क्या कहना चाहेंगे अगर उनको कोई दिक्कत होती है? पुलिस फैमिली से यही कहना है कि यदि आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आके दिखाएं। यहाँ पर डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है, फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ पर बुलाने की बात चल रही है। साथ में एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएँ देने के लिए सुमोटो तैयार हैं। तो पुलिसकर्मी जितने आते हैं यहाँ पर उनको खांसी बुखार वो यहाँ पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड। थैंक यू सर। आज शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें सभी अधिकारियों डीआईजी साहब और एसपी साहब ने आकर यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, अपना चेकअप वगैरह करवाया। कैसी व्यवस्थाएं हैं इस हॉस्पिटल की? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। सभी लोग पुलिस सक्रिय रूप से कैंप में शिविर में भाग ले रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं।